हेलो गाइस, वेलकम टू रियल का फैक्ट्स एंड कैसे आप सब लोग। तो गाइस, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो आफ्टर मॉडिफिकेशंस रहती है कार की और जो आफ्टर मार्केट हम काम करवाते हैं उनको लेके जो क्वेरीज रहती है एक बायर्स के मन में कि क्या हमें देखना चाहिए या क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ इन सब के बारे में बात करने के लिए है मिस्टर साकिब। ये ओन करते हैं वाहन ऑफिशियल चैनल, यूट्यूब चैनल जो आपने देखा होगा, एंड काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स हैं इनके उस यूट्यूब चैनल में और काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं आफ्टर मार्केट के साथ। एंड इनका एक्सपीरियंस आज लेंगे हम और इनके एक्सपीरियंस से हम जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए जब भी हम आफ्टर मार्केट काम कराने के लिए जाएं। बिकॉज आफ्टर मार्केट में जो यार हम जैसे नए बायर्स को जो फर्स्ट टाइम कार परचेस कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम आफ्टर मार्केट से काम करा रहे हैं उनको पता नहीं चलता, आइडिया नहीं हो पाता कि क्या चीज़ें जेन्युइन है और क्या चीज़ें नहीं है। तो साकिब भाई, आप बताइए कि यार क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखें कि जब हम कभी भी आफ्टर मार्केट कोई भी काम कराने जाएँ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि आपके सामने गाड़ी खड़ी है पंच, तो मैं पंच का ही एक एग्जांपल लेके चलूंगा। जैसे कि अपने सामने पंच है, ये पंच का अपना जो है एडवेंचर रिदम वाला मॉडल है। जनरली लोग जो है इस वाले मॉडल के अंदर आपको बेसिक सारी रिक्वायरमेंट वाली चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन बात करें अगर बेस मॉडल की जो कि प्योर के नाम से आता है, उसमें सिर्फ अगर बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करें तो सिर्फ आगे की दो पावर विंडो मिलती है, बाकी कुछ नहीं मिलता। साकिब भाई, ये मेनली जो हमारा पर्पज है ना, ये कई लोग जैसे क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं कि हमें कौन सा वैल्यू फॉर मनी मॉडल है और किस मॉडल पे जाना चाहिए, तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ आप एक बेस से ऊपर वाला लो जिसमें आपको बेसिक फीचर्स मिल रहे हो। बट कई लोग कहते हैं यार हमारा बजट ही बेस वाला है और हम उससे ऊपर नहीं जा सकते, तो उन लोगों के लिए आफ्टर मार्केट काम, बिकॉज कंपनी बेस मॉडल में इतने सारे फीचर्स देती नहीं है, तो उनके लिए आफ्टर मार्केट काम कराना मैंडेटरी हो जाता है। तो उन लोगों के लिए आप मुझे बताइए कि वो लोग जब भी जाए तो क्या चीजों पे जाना है। देखिए, सबसे पहला काम अपना इलेक्ट्रिकल होता है जो कि सबसे मेन होता है मेरे हिसाब से, कि इलेक्ट्रिकल काम जब भी आप करवाएं तो दुकानदार कितना भी आपको लगे कि अच्छा है, क्योंकि यार देखो सेल्स करने के लिए वो भी बैठा हुआ है, और एज अ शॉप ओनर की बात करें तो उसकी भी मेंटेलिटी यही होती है कि थोड़ा बहुत पैसा कमाया जाए। जाहिर सी बात है, कोई बंदा होगा पैसा कमाने की सोचेगा, लेकिन आपका फर्ज है। जैसे कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो क्या काम करते हैं, गाड़ी आई दुकान पर, बताया कि ये काम करवाना है, गाड़ी खड़ी हो गई और वो चले गए मार्केट घूमने के लिए। तो ये कभी ना करें, जब भी आप अपनी गाड़ी के अंदर काम कराएं तो यार अपनी गाड़ी एक बार, गाड़ी तो रोज को रोज कोई खरीदता नहीं है, गाड़ी आप जिंदगी में दो या तीन खरीदते होंगे, चार खरीदते होंगे, बहुत से लोग होंगे जो ज्यादा खरीदते होंगे, कोई कोई तो एक ही गाड़ी खरीद पाता है। तो जब आप अपनी गाड़ी को इतनी दिनों बाद खरीदते हो, कभी कभी खरीदते हो, तो उसके लिए एक दिन पूरा जरूर से निकालें। जो भी काम अपनी गाड़ी के अंदर कराएं, खासतौर से इलेक्ट्रिकल हो रहा हो तो गाड़ी के सामने खड़े होकर कराएं, उससे पूछें भी अगर आपको कहीं लगे कि यार कहीं वायरिंग कटिंग हो रही है, तो बेशक आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर की कंपनी वाली कोई भी वायर के अंदर कोई भी कटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका पूरा पर ध्यान रखें। जैसे कि फॉग लैंप है, फॉग लैंप के साथ कुछ लोग क्या काम करते हैं कि डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के साथ में, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके साथ हमेशा रिले का इस्तेमाल करें ताकि आपकी जो बैटरी है उसके ऊपर प्रॉब्लम ना आए, उसके साथ रिले जरूर लगानी चाहिए। तो इस तरीके के बहुत सारे हैं, कपलर का इस्तेमाल होना चाहिए गाड़ी के अंदर, एंड्रॉइड सिस्टम लगवा रहे हो उसके अंदर भी कपलर टू कपलर फिटिंग होनी चाहिए, स्पीकर्स का इंस्टॉलेशन करवा रहे हो तो कोई वायर कटिंग उसके अंदर भी नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि अपने सामने खड़े हुए काम करोगे तो जो बंदा काम कर रहा होगा वो भी ध्यान रखेगा, ये बंदा मेरे पर नजर रखे हुए तो मुझे भी काम अच्छे से करना है, बिकॉज इलेक्ट्रिकल पार्ट में सबसे ज्यादा वारंटी वॉइड होने का खतरा होता है। और ये आजकल मैं बता दूं आपको कि बहुत से लोगों का डाउट होता है कि यार बाहर गए और बाहर जाते के साथ ही तार में कुछ भी हुआ तो वारंटी खत्म हो जाती है, ऐसा भी नहीं होता है। अगर आपने एक अच्छे तरीके से काम करवा रखा है, प्रॉपर वेल जितनी भी वायरिंग करी हुई है उसकी अच्छे तरीके से करी हुई है, तो मेरे कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो कि मुझे मतलब मैसेज करते रहते हैं या मिलते रहते हैं, जिन्होंने गाड़ी के अंदर साल भर पहले, क्योंकि पंच जो है मैं जनरली पंच को ही कवर करता हूँ, तो और साल भर से मैं अपना पंच का कॉन्टेंट जो है रेगुलर बना रहा हूँ मैं, तो कुछ ऐसे भी बायर्स हैं जो कि मिलते रहते हैं, वो भी कहते हैं कि यार गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि मुझे बाहर भी मिलते हैं, वो कहते हैं यार बाहर मैंने काम करवाया और मेरी गाड़ी की वाट लग गई है। हाँ, वो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उसके बेसिस पे यस आप सही बोल रहे हैं। बाकी दूसरी चीज है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल की बात हमने कर ली है, अब इसके अलावा बहुत सी चीजें, जैसे कि बेस मॉडल के अंदर आपको व्हील कवर नहीं मिलते, ये कंपनी वाले व्हील कवर है, ये निकलते नहीं है जल्दी, ठीक है, इनकी प्रॉपर फिटिंग होती है। लेकिन अगर आप आफ्टर मार्केट जैसे कि जाते हो तो एक चीज का ध्यान रखो, आफ्टर मार्केट में यूनिवर्सल व्हील कवर्स दिए जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो लोग सिर्फ लगा देते हैं। आपने क्या ध्यान रखना है, अगर आप आफ्टर मार्केट मजबूरी आपको जाना है कि आपको आफ्टर मार्केट व्हील कवर लगवाने हैं, तो आप उसके साथ जो टाई बेल्ट बेसिकली होती है वो जरूर से लें, क्योंकि आप देखोगे आपने लगा दिया आज तो, और चार दिन बाद किसी गड्ढे में गाड़ी पड़ी और व्हील कवर आगे निकल गया, गाड़ी आपकी वहीं रह गई, या फिर उसका उल्टा भी हो सकता है। तो इस तरीके का आपको ध्यान रखना चाहिए। और नेक्स्ट बात यह है कि आफ्टर मार्केट जब आप जाओगे तो आपको बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे, बहुत से दुकानदार ऐसे मिल
जाते हैं जो कि क्या काम करते हैं, यूनिवर्सल चीजें लगा देते हैं गाड़ी के अंदर। मतलब कोई चीज अगर नेक्सॉन की है तो वो भी आपके पंच में लग जाएगी, कोई चीज मारुति की किसी गाड़ी की तो वो भी लग जाती है। तो आपने उस चीज का ध्यान रखना है कि प्रॉपर चीज होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर होगी तो उसी तरीके से वो कास्ट होगी, उसी तरीके से मैन्युफैक्चर होगी और जाकर के प्रॉपर ही तभी वो फिट होगी। अगर यूनिवर्सल चीज लगेगी तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उसके अंदर दिक्कत आएगी और कहीं ना कहीं आफ्टर कुछ टाइम के बाद आपको चीजें खराब होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो फिर आप वही करोगे कि यार आफ्टर मार्केट काम करवाया तो मेरे जो है काम ही खराब हो गया, गाड़ी की बैंड बज गई है। तो आपका कहने का मतलब है जेन्युइन प्रोडक्ट की तरफ जाए जो जेन्युइनली उस प्रोडक्ट के लिए ही बना हुआ है। आफ्टर मार्केट में देखो सर, अब देखो आफ्टर मार्केट अगर जैसे कि कोई, जैसे कि आपने मुझे बोला कि किसी भाई के पास रिक्वायरमेंट है, जाना चाहता है वो अपर मॉडल के अंदर, लेकिन बजट नहीं है बजट। तो इस कंडीशन में क्या है कि आप बेस मॉडल लो, आपके पास ऑप्शन अच्छे अच्छे हैं। आफ्टर मार्केट में भी अगर आप जाते हो तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि एक अच्छा ब्रांड बन चुकी हैं, और इवन वही कंपनी जो है ना अंडर द शेड टाटा को भी प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। बस ये है कि वहाँ पे वो टाटा हो जाता है और यहाँ पे आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट्स जाते हैं। तो हम क्या ट्रस्ट कर सकते हैं कि जो आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट्स मिल रहा है वो जेन्युइन ही है? आपको देखो सर, अगर आप इतनी बड़ी गाड़ी लेकर के जा रहे हो, अपना पैसा खर्चा कर रहे हो, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा उसके ऊपर सर्च करना चाहिए, थोड़ा टाइम आपको उस पर बिताना चाहिए, और जो सामान आपकी गाड़ी के अंदर लग रहा है उसको देखभाल करके ही लगवाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पूरा भरोसा सामने वाले के ऊपर करो, गाड़ी दो और शाम को मूवी देख करके आ रहे हो और गाड़ी फिर लेकर के जा रहे हो, तो ऐसे बंदों के साथ फिर ऐसा भी हो जाता है कि बोला कुछ और था और काम कुछ और हो गया है। सगे भाई, कई लोग चाहते हैं कि यार एक टॉप मॉडल लेना, और टॉप मॉडल में जो ड्यूल टोन वाला काम करवाना चाहते हैं अपनी कार्स में, जैसे कि मैंने भी इस कार में करवाया हुआ है जो इसकी मैंने रैप करवाया है। तो अगर हम रैपिंग के लिए जाते हैं तो ऑप्शंस मार्केट में बहुत सारे हैं, कई लोग विनाइल भी कर रहे हैं और कई लोग रैपिंग के थ्रू भी कर रहे हैं, तो कौन सा बेस्ट रहता है, किस में जाना चाहिए? देखो सर, एक बारी में आप यही कहूंगा कि अगर आप खर्चा कर रहे हो तो गाड़ी का खर्चा बार बार नहीं किया जाता, और मेरे हिसाब से गाड़ी के अंदर मॉडिफिकेशन भी एक ही बार होता है, एक बार जो आपने करा लिया वो हमेशा पड़ा रहना चाहिए, ऐसा काम करवाइए। तो थोड़ा सा आप पर चीजें लगा लीजिए आप, जो कि उस चीज के अंदर अच्छी क्वालिटी की चीजें हो। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं यार के बगल वाली दुकान वाला जो है, क्योंकि दुकान की बात होगी, क्योंकि आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन दुकानों पर ही होता है, तो दुकान की बात होगी तो एक बंदा आता है कहता है कि भाई रूफ टेपिंग होनी है, कितने की होगी? एक ने बताया लाइक 3,000 रुपए, तो बगल वाले ने बता दिया 2,500 रुपए। तो लेकिन उस बंदे ने कंफर्म नहीं किया कि क्या चीज बगल वाला क्या लगा रहा है। तो बगल वाले की जो 2500 वाली चीज होगी, मे भी वो कल को आपको फॉल्टी नजर आए, आपको उसमें दिक्कतें आए, लेकिन आप उसमें क्वालिटी प्रोडक्ट लगाओगे तो आपको ये दिक्कतें नहीं आएंगी। हाँ, बट ये डोर टू डोर ऐसा बड़ा इशू रहता है कि आरसी भी नहीं चलती है, तो इसलिए मैं जल्दी इसको रिकमेंड नहीं करता हूं। कराना उनको तो करा सकते, लेकिन दिक्कत बहुत अच्छी लगती है, वो बात अलग है। बट ये है कि आरसी पे चढ़ाने के लिए आपको थोड़ी सी क्या, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा और, पर वही आरसी में फिर बंदा चढ़ाएगा भी क्यों यार, वो रैपिंग का ऑप्शन उसने कराया है तो वो चेंज कभी भी करा लेगा, तो आरसी में एडवांस भी चढ़ाएगा। एक और चीज है सकी भाई जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मैंने बहुत बार देखा है आफ्टर मार्केट में लोग वारंटी देते हैं सीट कवर्स की, कहते हैं लाइफ टाइम वारंटी, वो लाइफ टाइम वारंटी एक्चुअली में है क्या, वो सही में लाइफ टाइम वारंटी है या कुछ? देखो लाइफ टाइम हर जगह ना टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती है, वो स्टार बहुत छोटा सा बना होता है वो दिखता नहीं है, बेसिक सी बात होती है। क्योंकि तो, जब भी हम शॉपकीपर के पास जाते हैं वो कहते हैं लाइफ टाइम वारंटी है सर। लाइफ टाइम, देखो लाइफ टाइम ना इस तरीके से भी बोला जाता है, लोग जैसे कि समझते हैं कि 5 साल जो वारंटी होती है ना बेसिक, 5 साल उसे वो लाइफ टाइम कहते हैं, क्योंकि आजकल की क्या है ना, आजकल हमारी जो जनरेशन है वो बनती है कि 5 साल बाद गाड़ी बेच दो, ऑब्वियसली तो उसने वो 5 साल उन्होंने रख लिया है, उन्होंने सोचा कि 5 साल में गाड़ी जो बंदा है बेच देता है तो उसके हिसाब से वो लाइफ टाइम वारंटी हो गई है। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि आपकी जो सीट कवर्स है उसके ऊपर कोई भी स्क्रैच इस तरीके का ना आए, जैसे ब्लेड ना लगाया हो अपने, जो है कुछ लोग होते हैं यार जो मतलब उस पे लाइटर जला देते हैं और चाबी घुमा देते हैं यार, इंटेंशनली डैमेज ना की हुई हो सीट। और लाइटर जो दी जाती है वो बेसिकली अगर आपकी जो सिलाई है वो खुल रही है या फिर कुछ तरीके का हो रहा है, पपड़ी निकल रही है, क्योंकि कपड़े के ऊपर बहुत सारी बातें होती है, कपड़े भी अलग अलग तरीके से हैं, जैसे कि अगर आप जाओ तो बड़ा कंफ्यूजन है यार, मैं भी बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ, नापास आता और ये वो और बहुत सी चीजें होती है, तो उसमें आप देखिए कि किस तरीके की क्वालिटी आप लगा रहे हो। तो मतलब आप ऐसा बोलोगे, आप जैसे मैं तो बोलता हूँ कि अगर आफ्टर मार्केट करना है तो आपको बहुत सोच समझ के करना चाहिए काम, तो आप भी यही चीज बोल रहे हो कि आफ्टर मार्केट जब हम जाएं तो पूरा रिसर्च करके अपने तरफ से पूरा टाइम दें जब भी आप अपना काम कराएं। एक और चीज का ध्यान रखें, जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, जैसे कि मैंने देखा है कि वो एक्स्ट्रा चीजें लगवा लेते हैं, मतलब कि एक तो नेसेसरी वाली चीजें होती है जो कि मजबूरन भाई अगर आपने बेस मॉडल लिया है तो उसको थोड़ा सा आपने फीचर लगाने के लिए, जैसे कि सिस्टम नहीं आ रहा है, स्पीकर नहीं आ रहा है, तो कितना दिन बगैर स्पीकर और बगैर सिस्टम गाड़ी चलेगी, तो वो लोग नेसेसरी वाली चीज लगवा लेते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उसके अंदर लाइटें वाइटें होता बिल्कुल बहुत सी चीजें लगवा देते हैं, तो जब तक वो चीज ना लगवाए जब तक आपको एग्जैक्ट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इस चीजों की रिक्वायरमेंट होती नहीं है बेसिक चलाने के लिए। हाँ, शोशेबाजी जो एक चीज होती है वो दिखाने के लिए लोग लगवाते जरूर हैं, बट वो इतना लॉन्ग टर्म में वो नहीं जाती है।
सो साकिब भाई थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी सारे डाउट्स हमारे क्लियर करे आज इस वीडियो में, एंड आई होप कि आप लोगों के भी डाउट्स क्लियर होंगे और आप लोगों को जो क्वेरीज थी आफ्टर मार्केट क्या काम कराना चाहिए और कैसे कराना चाहिए वो सब क्लियर हो गई होंगी इस वीडियो से। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।